एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमें सैफ्रॉन का सीज़न होता है यहाँ पे, चारों सीजन्स में हमें होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं. वो सब हमें सीखा, आइडिया आया हमें उस, अगर हमें फाइनेंस ज़रूरत होगा तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं. उनका मकसद उन्हीं के लिए सीख रहा, तो हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे, सीख रहे देने की भी कोशिश करेंगे. There have been so many people that are behind this program, and one such person who has really contributed a lot, and we from the SCOST, particularly from the School of Agriculture, Economics and Hunter Business Management, want to felicitate our volunteer coordinator, Dr. Sajadul Akbar Wani. And they spent almost a week over here for conducting this training program or workshop with regard to agritourism. And I think I can say very crude ideas. I have why in a program करें और तो हम, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पे बच्चे हैं जो यहाँ weekly रहे, यहाँ present रहे training में, उन्होंने बहुत कुछ inputs लिए होंगे. सर ये जो आज यहाँ पे आप जीडीसी पांपोर में आपकी जानिब से ये प्रोग्राम का इनकार किया गया, इस हवाले से बताइए कौन सा प्रोग्राम? ये एक्चुअली हमारे स्कॉस शालीमार्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का एक कोलैबोरेटिव वर्कशॉप था जो हमने जीडीसी पांपोर के साथ किया. ये 6 दिन का था. इसमें हमारा जो मेन फोकस था वो था हम कैसे एग्री टूरिज्म को स्टेट में प्रमोट करें, कैसे इसको डेवलप करें, कैसे हम अपनी यंग जनरेशन को स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इनका रुझू बढ़ाएं. तो हमने ये पिछले हफ्ते स्टार्ट किया था, आज इसका लास्ट डे था और हमारे साथ ऑलमोस्ट 30 बच्चे थे 6 दिन, जहाँ पे हमने इनको ट्रेन किया एग्री टूरिज्म को लेकर. बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आए, जो एक्सपर्ट्स थे एग्री टूरिज्म में, उन्होंने इनको ट्रेन किया, इन्होंने इनको डेवलप किया. एंड हमें उम्मीद है कि आगे जाकर ये एग्री टूरिज्म के रिलेटेड स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरल यूनिट्स खड़ा करेंगे, जिसमें स्कॉच कश्मीर पूरा इनका साथ देगा. वी विल सपोर्ट देम इन व्हाटएवर वे वी कैन. एंड हम अपना जो हमारा शेरी कश्मीर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है, उनके साथ इनको जोड़ेंगे, जहाँ इनको हैंड होल्डिंग और जो भी सपोर्ट है पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर के साथ जुड़ना, या कैसे मार्केट डेवलपमेंट होगी, कैसे मार्केट पेनिट्रेशन होगी, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को हम डेवलप करेंगे, सो वो सारी सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे इनको. जो ये ट्रेनिंग थी, ये एक शुरुआत है. इट इज़ मतलब इसको बोलते हैं एक बेस्ट इज़ येट टू कम. तो ये हमने एक शुरुआत की सुकास्ट में जो ये ट्रेनिंग्स हो रही है, और मैं चाहता था कि वहाँ मैंने बात की, मैंने कहा नहीं, हमारा पांपोर जो है दैट इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल रिगार्डिंग द एग्री टूरिज़्म, तो क्यों ना हमें ट्रेनिंग वहाँ कराए पांपोर जीडीसी में, और वहाँ बच्चों को अवेयर करें कि कितना डायनमिक्स है, कितनी डेप्थ है इस एग्री टूरिज़्म में, और कितना हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू थ्रू द एग्री टूरिज़्म. तो वहाँ पे सुकास्ट में सब ने मुझे सराह कहा कि नहीं, आप कराइए एक ट्रेनिंग वहाँ जीडीसी पांपोर में. तो मैंने यहाँ फिर मैडम से बात की, प्रिंसिपल मैडम से, उनने मतलब नोट दिया, तो हमने यहाँ ये कराई ट्रेनिंग. इसमें बहुत बेनिफिट्स रहे सर. इसमें एक्चुअली चूँकि मैं खुद वेटलैंड्स के ऊपर मेरा काम रहा है, मैंने रिसर्च जो किया है जो ये पांपोर में जो वेटलैंड्स है, सैटेलाइट वेटलैंड्स, इनमें भी इको टूरिज़्म को हम प्रमोट कर सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि पांपोर जो है इसमें इतनी पोटेंशियल है एग्री टूरिज़्म का कि कुछ हम कह नहीं सकते इको टूरिज़्म के साथ साथ. तो इसलिए हमने ये एक शुरुआत की है. अभी आने वाले समय में हम बहुत सारे इसमें एक ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स यहाँ मुनाकिद करेंगे पांपोर.